लड्डू। जी बाबा। तुम यहाँ बैठी भी हो? What happened? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? हमारी फेवरेट कॉफी। No way. ये उसी तरह ही आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बनाई है ना इसमें? Oh my God, I love it. ये वो फ्रॉथ वाली जो आप बनाते हैं। बाबा, I love this. आप जब भी बनाते हैं ना, this is a 10 out of 10 every single time. उफ, मुझे बहुत पसंद है ये वाली कॉफी। बेटा वो तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि रिजवान और सवेरा आ रहे हैं तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने के लिए। दादू ने बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में बेटा? बेटा कुछ बातें मैं तुम्हारी समझ जाता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन आजकल तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत कंफ्यूज कर देती। बाबा, आपने मुझसे जब भी कुछ भी पूछा है मैंने हमेशा के लिए आपको बताया। तो फिर ये भी बता दो। बेटा ये तो तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो कि रोहान से शादी तुम सिर्फ मेरी वजह से कर रही थी। कि अब भी तो मेरी वजह से ही कर रही हो कि तुम रोहान को पसंद करने लगी हो? बाबा, रोहान एक बहुत अच्छा लड़का है और मुझे उससे शादी करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन लेकिन शादी से पहले मुझे अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो तुम्हें किसने मना किया है? ये लो, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो। I've always encouraged you. Really? Absolutely. Oh, बाप बेटी क्या प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। आ गई। मैं आती हूँ तो आप चले जाते हैं। चले जाए। हाँ जी। अच्छा बात सुन, तूने शादी की तारीख के लिए एग्री कर लिया? पर नहीं, बाबा ने शादी से पहले सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की परमिशन दे दिया। वाह वाह, कितना अच्छा फादर है तेरा। है ना, मेरा प्यो भी इतना अच्छा होता ना तो दुनिया में आग ला देनी सी। मेरे बाप ने तो गंदम की फसल से ऊपर कभी देखा ही नहीं। ये थी मेरी लक। लेकिन खैर छोड़, तू बता कि फिल्म का क्या बना? मैं तुझे कहानी बताऊं? सरम जी, एक्चुअली मैं बाबा से पैसे नहीं लेना चाहती। अच्छा, मेन परमिशन उन्होंने तुझे दे दी है लेकिन पैसे नहीं दिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस उनसे पैसे लेना नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद करूँ सब कुछ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं भी दिमाग लड़ाती हूँ जरा। कॉन्टैक्ट्स लड़ाए ना अपने। हेल्प करें। हाँ, एक है मेरे दिमाग में, सोचती हूँ। मैं जरा तेरे बाप को तंग करने जा रही हूँ। एहसास साहब, एक्सक्यूज मी।